Story of Neerja, the heroine of the hijack. क्या हुआ था 5 सितंबर के दिन पैन एम की फ्लाइट 73 में। एक आम दिन की तरह नीरजा ने इस दिन की शुरुआत की थी। कुछ अलग था तो बस नीरजा की थकान। नीरजा एक दिन पहले ही एक टायरिंग फोटोशूट से लौटी थी। नीरजा की मां ने उनसे कहा था कि वो जॉब से छुट्टी ले लें, पर अपने काम को बहुत सीरियसली लेने वाली नीरजा ने मना कर दिया। जब नीरजा को पता चला कि फ्लाइट 73 पर कुछ टेररिस्ट आ चुके हैं और उन्होंने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है, तो सबसे पहले नीरजा ने ये बात अपने प्लेन के पायलट और को पायलट को बताई। एंड नीरजा वॉज शॉक्ड टू सी दैट द पायलट्स वर द फर्स्ट वन टू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेन। नीरजा को समझ आ चुका था कि अब उसे ही ये पूरी सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेगी। एंड देन शी टुक द कंट्रोल इन हर हैंड्स। नीरजा ने टेररिस्ट को काफी वक्त तक उलझाए रखा। 41 अमेरिकन जो उस फ्लाइट पर मौजूद थे उनके पासपोर्ट्स को भी छुपा दिया, क्योंकि आतंकवादियों का असली निशाना अमेरिकन ही थे। इतना होने के बाद नीरजा ने 360 लोगों के लिए प्लेन के पीछे का दरवाजा खोल दिया, खुद भागने की जगह सबको वहां से निकलने में मदद की और तब आतंकवादियों की गोलियों से कुछ छोटे बच्चों को बचाते हुए शहीद हो गई द ब्रेव गर्ल नीरजा। आपको बता दें कि जिन बच्चों को नीरजा ने बचाया था उनमें से एक बच्चा आज खुद एक पायलट है। वी सल्यूट नीरजा for inspiring generations.